असलम वालेकम टू ऑल ऑफ़ यू और आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आज सुबह सुबह इतने बादल आए हुए थे और इतनी ज़ोर ज़ोर से हवाएं भी चल रही थी और इन हवाओं की वजह से मेरे कमरे में इतनी ऊंची ऊंची ठक 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 की आवाज़ें आ रही थी मुझे लग रहा था कि शायद हवा की वजह से छत का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से लग रहा होगा तो खैर मैंने कहा मामा छत का दरवाज़ा तो बंद कर दें लेकिन खैर मामा का मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो खैर मैंने सोचा मैं खुद जाकर छत का दरवाज़ा बंद कर देता हूँ मैं नींद की हालत में छत तक गया और मैंने देखा दरवाज़ा तो पहले ही बंद है और छत के ऊपर दो लोग पता नहीं क्या साफ़ कर रहे थे और साथ में पापा भी खड़े हुए थे मैंने कहा पापा आज ऑफिस नहीं गए और ये ये क्या हो रहा है यहाँ पे तो खैर पापा ने कहा कि बेटा तुम सो जाओ चलो चलो शाबाश वापस जाके सो जाओ तुम सोते रहो बारह एक बजे तक सोते रहो और फिर उठना खाना खाना और खाना खा के फिर सो जाना चलो चलो शाबाश मैंने कहा पापा क्या हो गया क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप तो खैर पापा ने कहा कि बेटा ये चिमनी साफ करवा रहा हूँ मैं इन लोगों से तुम तो सुबह को सोकर नहीं उठते ये तुम्हारे करने के काम है खैर मैंने कहा पापा ये चिमनी क्यों साफ़ हो रही है इसको क्या हुआ था तो पापा ने कहा कि तुम्हारी मामा ये कह रही थी कि जब मैं रोटी बनाने के लिए खड़ी होती हूँ तो चूल्हे के ऊपर चिमनी का ऑयल गिरना शुरू हो जाता है वो नहीं होता जब हम कुछ पकाते हैं काफ़ी अरसे तक चिमनी के अंदर तेल जमा हो जाता है तो बस वो रोटियों पर गिरता था यहाँ से नीचे सीधा तवे पर गिरता था तो इस वजह से सफ़ाई हो रही थी खैर मुझे नीचे से मामा की आवाज़ आई मैं सीढ़ियाँ फलंगता हुआ नीचे वापस आया मैंने कहा जी मामा मैंने देख लिया ऊपर क्या हो रहा है अभी सोकर उठा उठाऊँ मामा ने कहा चलो शुक्र अलहमदिल्ला तुम्हारी सुबह हो गई अपने पापा से जाकर पूछो कि कोई शरबत पानी की कोई ज़रूरत तो नहीं है मैंने कहा नहीं कुछ भी ज़रूरत नहीं है अभी तो वो सफाई कर रहे हैं उसके बाद देखो क्या होता है खैर मामा अपने कमरे में आराम से एल्बम देख रही थी पुरानी पुरानी एल्बम्स हमारे पास अभी तक दराज में रखी हुई हैं और उन्होंने कहा कि तुम खाना खा लो क्योंकि वैसे ऑफिस से तो आज मेरी छुट्टी थी लेकिन बाहर सामान मंगवाना था मामा ने कुछ शिमला मिर्च और कैबेज तो खैर मैं खाने खाने के लिए बैठ गया और ये आलू बुखारे की चटनी है हमारे कुछ दिनों पहले चचा हमारे घर मिलने के लिए आए थे और उन्होंने अपने लिए आलू बुखारे मंगवाए थे तो वो जाते वक्त अपने आलू बुखारे लेकर ही नहीं गए हमने तो उनको कहा भी था कि चचा ये आपके आलू आलूबारे आपने अपने लिए मंगवाए थे ये तो लेते जाएँ लेकिन नहीं बस वो हमें दे गए सारे आलू बुखारे और फिर मामा ने सोचा कि क्यों ना इनकी चटनी बनाई जाए तो मामा ने चटनी बना ली और मैं अब गोभी के साथ ही आलूबुखारी की चटनी खा रहा हूँ बस अभी खाने के लिए बैठा था कि ऊपर से पापा ने आवाज़ दे दी पता नहीं ऐसा क्यों होता है जब मैं ऊपर होता हूँ तो नीचे से मामा मुझे पुकारती रहती हैं और जब मैं नीचे होता हूँ तो ऊपर से पापा मुझे पुकारते रहते हैं तो बस आवाज़ आ गई मुझे कि मलेली मलेली फ़ौरन इधर आओ खैर मैं खाना छोड़कर ऊपर गया मैंने कहा जी पापा तो पापा ने मुझे साइड पर ले जाकर बोला कि अपनी मामा को जाकर बताओ कि ये दोनों लोग ना खाना खा कर जाएँगे तो कुछ बंदोबस्त कर लो फ़ौरन मैंने कहा पापा मामा तो आराम से एल्बम देख रही हैं अपने कमरे में पापा ने कहा उनको जाकर बता दो कि एल्बम को छोड़ें बाद में देख लेंगे हम मिलकर देख लेंगे सब लेकिन अभी फ़ौरन उनको कह के कुछ खाने पीने का करें तो खैर मैंने कहा अच्छा मैं नीचे गया मैं नीचे जाके मामा को बोला कि मामा पापा कह रहे हैं कि वो जो दो आदमी ऊपर काम कर रहे हैं ना चिमनी का वो खाना खा कर जाएँगे मामा ने कहा कि वो गढ़ खैर मैंने फ़ौरन मामा को बाहर से शिमला मिर्च और कैबेज ला कर दी और उसके बाद मामा ने जल्दी से सब्जियों वाले चावल बना लिए मामा बेचारी हमेशा मामा ये कह रही होती हैं कि मुझे कुछ कुछ भी पकाने से प्रॉब्लम नहीं है मैं दस लोगों का खाना भी बना सकती हूँ लेकिन पहले से अगर पता हो तो फिर आराम से बन जाता है अब फ़ौरन मामा ने आ, वरना इस वक्त मामा हमारे रात के खाने का बंदोबस्त करती हैं लेकिन नहीं अब मामा को इनके खाने के लिए बनाना था तो मटर डाल दिए हमने इसमें कैबेज डाल दी गाजरें डाल दी और अब चावल तैयार हो रहे हैं खैर जब तक मामा चावल बना रही थी मैंने अपनी रोटी ख़त्म कर ली क्योंकि मेरी रोटी भी तो चल रही थी बीच में जो मैं छोड़ कर गया था जब पापा ने मुझे आवाज़ दी थी तो खैर मैंने अपनी रोटी खा ली अब मैं यहाँ पर मामा के साथ चावल बनाने में हेल्प कर रहा था मैंने कहा मामा ये कितनी देर में बन जाएंगे तो खैर मामा ने कहा कि तुम जाओ मैं तुम्हें बुला लूँगी जब बन जाएंगे खैर मैं ऊपर आ गया मैं अपने कमरे में थोड़ी देर बैठ गया फिर मैंने सोचा कि मैं नहा लूँ क्योंकि चार पाँच दिन से नहाया नहीं हूँ इतना मेला हो रहा हूँ तो खैर मैंने ऊपर जाकर गीज़र ऑन करने की कोशिश की तो नीचे से मामा ने मुझे फिर आवाज़ दे दी <laughs> मैंने कहा मामा मैं नहाने जा रहा था आपने तो कहा था कि चावल बनने में अभी आधा पौना घंटा है मामा ने कहा कि नहीं बस बन, बन गए चावल और तुम गए किधर थे ऊपर मैंने कहा मैं नहाने गया था देख रहा था गीज़र का पानी ठंड मतलब नलके में पानी ठंडा आ रहा था तो मैं गीज़र ऑन कर रहा था खैर मैंने तेज़ कर दिया गीज़र अब आप मुझे बता दें मैं चावल दे आता हूँ इतनी देर में पानी भी गर्म हो ही जाएगा गीज़र का और फिर मैं नहा लूँगा तो खैर मैंने चावल निकाले उन बंदों को मैंने चावल सर्व किए और चावल जब तक वो खाते रहे तब तक मैं नहाने चला गया था फिर और जब मैं नहाकर वापस आया तो वो लोग अपना खाना खा चुके थे और अब वो चिमनी को वापस लगा रहे थे और मैं उनको शूट कर रहा था हंस मामूल और मुझे इतना डर लग रहा था कि अगर इन्होंने मुझे पलट कर देख लिया तो ये समझेंगे कि मैं इनको शूट कर रहा हूँ और बिल्कुल ठीक ही समझेंगे तो खैर मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया और मैंने जल्दी से यहाँ पर शूट कर लिया खैर हमारी चिमनी लग चुकी थी और मज़े की बात है पापा ने इसमें लाइटें भी फ़िक्स कर दी हैं मैं आपको दिखाऊँगा अगले ब्लॉक में इसमें लाइटें इतनी मज़े की चलती हैं और बस उसके बाद शाम हो गई थी आज पता है क्या हुआ है शाम को मेरी छुट्टी थी और मैं छुट्टी वाले दिन डोमिनोज डौमे, ऑर्डर करता हूँ तो मैंने आज जब डामिनोज ऑर्डर किया तो थोड़ी देर बाद हमारे हमसाए में से ख़बर आई कि उनके घर एक बुज़ुर्ग आदमी थे उनकी डेथ हो गई है मतलब जो भाई हमारे घर के साथ रहते थे उनके वालद साहब की डेथ हो गई है और वो घर पर ही थे जिस वक्त उनकी डेथ हुई है तो बस फिर क्या था अचानक मोहल्ला जमा हो गया उनके घर के आगे और ऐलान हुआ कि जो नमाज़ जनाजा है वो तो अगले दिन दोपहर को होगा लेकिन सब लोग उनके घर अफसोस करने के लिए फ़ौरन पहुंच गए थे और रोने की ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थीं। अच्छा अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं? क्योंकि वो बिल्कुल हमारे हमसाएँ हैं मतलब हमारा घर और उनका घर बिल्कुल साथ साथ है तो मैं मैं इसलिए परेशान हो रहा था क्योंकि पंद्रह मिनट बाद मेरा पिज़्ज़ा डिलीवर होना था और मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि वो लोग क्या सोचेंगे कि हमारे घर में किसी की डेथ हुई है और इन्होंने डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है तो खैर मैंने मामा से कहा मामा मैं क्या करूँ मैं कैंसिल करवा दूँ मामा ने कहा कॉल करके पता कर लो मुझे नहीं लगता अब कैंसिल होगा क्योंकि मैंने बीस मिनट पहले ऑर्डर दिया था तो खैर मैंने कॉल किया उस नंबर पर लेकिन एक नया एक नए रिप्रेजेंटेटिव ने कॉल पिक की डोमिनोज वालों के रिप्रेजेंटेटि होते हैं ना तो किसी और ने कॉल पिक की मैंने कहा कि सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑर्डर प्लेस करवाया था एवं आप अगर अपने सिस्टम में देखें तो क्या वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है उन्होंने कहा नहीं सर ये ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता आपका पिज्ज़ा ऑलमोस्ट कंप्लीट है और ये डिलीवरी बॉय को हम हैंड ओवर कर रहे हैं तुम तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है थैंक यू और बस फिर थोड़ी देर बाद मेरा पिज़्ज़ा आ गया था और मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकला जैसे हमारे घर की बेल बजी ना मैंने फ़ोन करके डिलीवरी बॉय को बोला कि ना मेरे मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा ना हाथ ऊपर करके गेट के ऊपर से मुझे दे देना तो मैंने उसको हाथ ऊपर किए उसने मुझे पिज़्ज़ा दे दिया और मैंने इसी तरह उसको पैसे दे दिए और वो चला गया मैं नहीं निकल सकता था बाहर इतने लोग खड़े हुए थे जनाजे वाला घर था और मैं पिज़्ज़ा वसूल करता हूँ अच्छा लगता बिल्कुल नहीं तो खैर मुझे हारिस भाई ने भी इतना टोका कि तुम्हें शर्म नहीं आई मैंने कहा हारिस भाई मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर चुका था उसके बाद डेथ की न्यूज़ आई है वरना मैं थोड़ी करता तो खैर एनी अब कल देखो जनाजे के लिए हम लोग जाएँगे काफ़ी दिन से उनकी तबीयत ख़राब थी वो वेंटिलेटर पर थे और डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ था और हमें अंदाज़ा था हमें भी और उनके अपने घर वालों को भी कि अब इनकी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है तो खैर अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नत में आला मकाम अता करे और उनकी मुश्किल आसान करे उनके घर वालों को सबर दे आमीन सब लोगों ने इस दुनिया से आखिर में ऐसे चले जाने और ये बस पिज्ज़ा और शॉर्मे तो इस दुनिया में ही रह जाएंगे बस तो खैर अब मैं खाओ गॉड oh मेरी बेल बज रही है घर की हंसद मामूल मैं जब भी oh God, मैं जब भी वॉइस ओवर करता हूँ पता नहीं क्यों बज जाती है मैं आ रहा हूँ एक मिनट हेलो 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 आई एम बैक दरवाजे पर मांगने वाला आया था और मैंने उनको पैसे दे दिए और उन्होंने मुझे दुआ दे दी और ख़ैर अच्छा तो अब मैं रात का टाइम था अब मैं अपने लिए पॉपकॉर्न बना रहा था और ये माइक्रोवेव पॉपकॉर्न पहली दफ़ा मैंने तब खाए थे जब हमारी खाला कनाडा में गई थी और उन्होंने कनाडा से ख़ास तौर पे हमारे लिए पॉपकॉर्न भिजवाए थे और हमें पता भी नहीं था कि पॉपकॉर्न ओवन में बन सकते हैं <स्थाँगा> तो खैर उस दिन के बाद से हम लोगों ने पाकिस्तान में इन पॉपकॉर्नस की तलाश शुरू कर दी काफ़ी अर्से बाद फिर हमें ये मिले थे और अब मैं ये बना लेता हूँ कभी कभार आपको पता है जब मेरी खाला ने पहली बार ये पॉपकॉर्न पाकिस्तान भिजवाए थे तो पूरा इतना बड़ा पैकेज था उसमें चालीस पचास पॉपकॉर्नस थे इतने बड़े बड़े तो खैर हमारी खाला ने फ़ोन करके पूछा कि भाई तुम लोगों को पॉपकॉर्न मिल गए हैं बनाए हैं तुम लोगों ने पसंद आ रहे हैं तुम लोगों के नहीं तो मैंने कहा ख़ाला पसंद तो बहुत आ रहे हैं लेकिन ज़रा आप मामा को कॉल करके ये बता दें कि वो सारे पॉपकॉर्न हारिस भाई के नहीं हैं हम तीनों के हैं हम तीनों भाइयों के ख़ाली ने कहा तो मैंने कब कहा कि सिर्फ खारिस के लिए मैंने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हारिस भाई वो पॉपकॉर्न ख़त्म करते जा रहे हैं हर वक्त वो खा रहे होते हैं नाश्ते में दोपहर के खाने में और रात के खाने में तो खैर फिर मामा ने क्या किया था मामा ने उस पूरे पैकेज को छुपा दिया था और जब हम लोग मांगते थे तो फिर हमें मांगने पर मिलते थे फिर मामा हमें एक दिन में या दो दिन में एक पैकेट बना के देती थी और उसी में से हम तीनों खाते थे क्योंकि इसमें होते भी तो इतने सारे हैं और उस वक्त तो हम बहुत छोटे थे तो हम इतने थोड़ी खाते थे लेकिन खैर अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं पूरा पैकेट खा लेता हूँ मैंने थोड़े से मामा के लिए निकाल दिए थे और बाकी मैं खुद खा रहा हूँ और साथ में मैं तेरे बिन देख रहा हूँ क्योंकि इसकी कुछ एपिसोड्स मेरे से मिस हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं कैचअप कर लूँ और इसको देख के मैं सो जाऊँगा और आप भी सो जाएँ अब खुदा हाफिस में नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा